हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप विभाजन सेंट्रल टेंडेंसी पार्टिट्यूशन वैल्यू, जो कि आपके एग्जाम में 10-20 मार्क्स का हर बार पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन में पूछ लेता है प्रथम चतुर्थक एवं तृतीय चतुर्थक ज्ञात करो, आज उसको हम जीरो से हाई लेवल आपको बताऊंगा, वो भी एक ही वीडियो में पूरा पूर्ण रूप से बताऊंगा। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नए स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू अभी आए हैं वो जाकर हमारे प्लेलिस्ट में डालिए आशुतोष स्टडी बडी, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मौजूद हुई है जिसे बिजनेस स्टैटिक्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नोट्स ऑल चैप्टर के जो है न्यूमेरिकल एग्जाम बेसिस सॉल्व किए गए, वहां से जाकर आप देख लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में 80+ मार्क्स खूब आराम से मिलेगा। काफी स्टूडेंट का सवाल होता है कि जो 80+ मार्क्स मिलते ही नहीं है एग्जाम में, बिल्कुल गलत है। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ के जाएंगे 80+ मार्क्स खूब आराम से पाएंगे, ये मेरी 100% उम्मीद है आपसे। दुनिया को जिस चश्मे से देखोगे दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत नहीं होती, इसलिए अपने इच्छा को मजबूत करिए, सफलता ऑटोमेटिक आपके माइंड में नाचेगी, आपके दिमाग में चलेगी। तो आगे जो है इस चैप्टर को मैं देखता हूँ जीरो से आपको हाई लेवल तक बताता हूँ। आगे जो है थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज जान ले जरूरी है। माध्यिका वितरण के मध्य पद का मूल होता है और वह वितरण के दो भागों में विभक्त कर देता है। माध्यिका की भांति स्थिति को अन्य मापे भी होती है। इसे चतुर्थक की गणना के पहले नियम जान ले, आज के बाद इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो के अंत में एक सीक्रेट टॉपर के बारे में बताऊंगा, जो कि जो लोग उसको फॉलो करेंगे अपने एग्जाम में और बिजनेस स्टैटिक्स में 80+ से स्कोरिंग ज्यादा हाई करेंगे, माइनस में नहीं आएंगे, मेरी 100% आपसे उम्मीद है। महान कार्य करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करना सीखो। इसमें जो है आपकी तीन श्रेणियां होती है। नंबर एक आपकी व्यक्तिगत श्रेणी होती है जिसे इंडिविजुअल सीरीज भी बोला जाता है इंग्लिश में, इसके बारे में इसका नियम जान ले, और ये आपका क्वेश्चन है जो कि हम सॉल्व करके जो है आपको बताऊंगा। पहला नियम आपका होता है पदों को मीडियन की भांति, जैसा कि मीन मीडियन मोड में मैं बताया था कि जो है व्यक्तिगत श्रेणी को पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी वाली संख्या पहले, फिर उसके बाद उससे बड़ी किया जाता है, फिर उसके बाद जो है प्रथम चतुर्थक के लिए ये फार्मूला फॉलो होता है, तृतीय चतुर्थक के लिए प्रथम चतुर्थक का फार्मूला होता है कि वन नंबर बराबर n+1/4 ब्रैकेट में गुणन वन, और तृतीय चतुर्थक ज्ञात करने के लिए Q3 नंबर बराबर n+1/4 ब्रैकेट बंद गुणे 3। अब जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, देखिए दिया रहेगा सीरियल नंबर पद, इसको पद बोलते हैं x को, तो सीरियल नंबर में 1 से 11 दिया गया है और पद आपका 12, 16, 28, 20, 13, 25, 30, 32, 15, 18, 21, यानी कि जो है इधर उधर है, कभी घट रही कभी बढ़ रही है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको जो यहाँ देखिए मैंने नियम में लिख दिया है कि सबसे पहले आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, पहले सबसे छोटी वाली संख्या को कर लेना है, फिर उसके बाद जो है उससे बड़ी वाली को। चलो इसको हम सॉल्व करके बेसिक से एकदम बताते हैं आपको। पहला कॉलम आपका बनेगा सीरियल नंबर का, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, दूसरा कॉलम आपका पद जो कि यक्ष दिया गया है आपके क्वेश्चन में, उसको जो है आरोही क्रम में बदलना है। पहले आरोही क्रम में बदलने के लिए मैंने बताया कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाती है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें देखते हैं, पहले नंबर उतार लें आप, 1, 2, 3, 4, जहां आपको न समझ आए आप बेहिचक जो है कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको जो है फ्री में पूरे जो है एग्जाम बेसिस जो है सोल्यूशन दिए जा रहे हैं, जो कि जो स्टूडेंट फॉलो करेगा एग्जाम में 100% उसकी ट्रिक नीडेड होगी और एग्जाम में 80+ मार्क्स
खूब आराम से स्कोर करेगा। सबसे छोटी संख्या आपकी है 12, फिर उसके बाद आपकी जो है 13, 13 के बाद 15, 16, 18, 18 के बाद 20 है, 20 के बाद 21 है, 21 के बाद 25 है, 25 के बाद 28 है, 28 के बाद 30 है, 30 के बाद 32 है। जैसा कि मैं जो है नियम के हिसाब से ही लगाया हूँ। देखिए क्वेश्चन में नियम था कि पहले इसको आप आरोही क्रम में बदलिए, तो मैंने जो है इसको आरोही क्रम में बदला, फिर उसको रूल पे फॉलो कर देते हैं। प्रथम चतुर्थक का हमारा रूल था, प्रथम चतुर्थक आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछता है, प्रथम चतुर्थक तृतीय चतुर्थक। प्रथम चतुर्थक का सूत्र होता है क्यू वन नंबर बराबर एन प्लस वन अपान फोर एकड़ वन गुणे वन, इसी पे रखते हैं। नंबर आपके 11 है, यहां देखिए नंबर बराबर 11 प्लस वन आपका फार्मूला में है, अपान चार जो है फार्मूला में है, गुणे वन करेंगे चाहे ना करो तब भी, क्योंकि वन का गुणा किसी संख्या से करेंगे तो वही संख्या आएगी। 11 प्लस 12, 11 और एक जोड़ेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। 12 भागे 4 करेंगे तो चर्त यही 12, आपका क्यू थ्री जो है 3 निकल आया। 30वां आइटम देखिए जो है आपके सीरियल नंबर में तीसरा आइटम कौन सा है, ये आपका जो है निकल आया क्यू वन यानी कि प्रथम चतुर्थक 15। क्यू वन बराबर क्यू वन नंबर बराबर 15, यही आपका आंसर हो गया व्यक्तिगत श्रेणी का। सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा आसानी पूर्वक। आगे जो है तृतीय चतुर्थक हम निकालना बताते हैं, उसका फार्मूला होता है क्यू थ्री नंबर बराबर एन प्लस वन अपान फोर ब्रेकर बंद गुणे थ्री, तीन इधर चला आएगा सवाल सॉल्व करते समय। क्यू थ्री नंबर बराबर 11, क्योंकि आपके नंबर 11 ही है, प्लस वन सूत्र में है, भागे चार कर देंगे, ब्रेकर बंद गुणे तीन जो ये है इसको लगा देंगे 12 आ जाएगा, 12 गुणे तीन कर देंगे भागे चार कर देंगे तो 12 तिहाई 36, 36 भागे चार करेंगे कितना आएगा, चन्नवाई 36 होता है जैसा कि सभी लोग जानते हैं, चन्नवाई 36 यानी कि नाइन्थवा आइटम आप सीरियल नंबर में देखिए कौन सा है, नौवा आइटम आपका क्यू थ्री हो गया। तृतीय चतुर्थक में निकल आया क्यू थ्री बराबर क्यू थ्री नंबर बराबर 28, यही आपका दोनों जो है आंसर हो जाएगा। ये प्रथम चतुर्थक हो गया, ये तृतीय चतुर्थक हो गया। ये जो है इंडिविजुअल सीरीज यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी का जो है ऐसा फल होगा, कोई भी क्वेश्चन दे देगा आपका आसानी पूर्वक लग जाएगा। अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं भी डाउट लगा हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, इसीलिए मैं जो है नियम बता दिया जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना बने। अब हम दूसरी श्रेणी यानी कि खंडित श्रेणी के बारे में देखते हैं, डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। आगे खंडित श्रेणी होती है दूसरी, मैं वीडियो के लास्ट में व्यक्तिगत श्रेणी खंडित श्रेणी सतत श्रेणी तीनों श्रेणियों के बारे में उसकी पहचान हम बताऊंगा कैसे आप पहचाने, काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं, यानी कि मुश्किल वक्त में जो है जो हार मान लेते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं, जो मुश्किल वक्त में चलना भी सीखे हैं वो एक दिन ना एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। अब दूसरी श्रेणी आती है जो है खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज, इसका नियम पहले देख लेते हैं कि सवाल साल्व करेंगे। आप नियम को नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए जो है मैं जो है इसको बेसिक से लिखा हूँ कि जिससे आप आसानी से याद कर लो और एग्जाम में कोई प्रकार की कंफ्यूजन आपके माइंड में ना आए। हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू वन एग्जाम मैसेज गाइडलाइन दी जाती है, जो कि 80+ एग्जाम में आपको स्कोरिंग वाले नॉलेज की बातें की जाती है। नंबर एक में आपका नियम होगा सबसे पहले दिए गए पद, जो पद लक्ष्य है आपका मूल्यों को आरोही क्रम में उनकी बारंबारता सही व्यवस्थित करके पीएफ, जो मीन मीडियम मोड में आप पीएफ बनाते थे, फ्रिक्वेंसी को जोड़ जोड़ कर वही आपका पीएफ का एक कलम बनता जिसे संचयी आदित्य कहते हैं।
सूत्र आपका वही व्यक्तिगत श्रेणी यानी कि इंडिविजुअल वाला सीरीज वाला सेम होगा, बाकी जो इसमें एक पीएफ का कालम बनेगा और इंडिविजुअल यानी कि बारंबारता सही जो है इसको व्यवस्थित करने के बाद पीएफ का कालम बनाकर वही व्यक्तिगत श्रेणी का रूल फॉलो कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताते हैं आपको, जैसा कि इसमें जो है यक से अलावा एक सीएफ का कालम बनेगा, क्योंकि रूल है जो है रूल में कह रहा है कि जो है एक सीएफ यानी कि संचयी आवृत्ति का कालम बनेगा। जैसे आपका यक्ष का पहला कालम हो गया यक्ष, यक्ष आपके क्वेश्चन में दिया है, तीसरा कालम आपका सीएफ का हो जाएगा गाइस, जहां भी आपको कोई भी डाउट लगे तो आप बेहिचक पूछ लेगा। यक्ष में दिया गया है आपका 100, 200, मैंने क्या बताया यहां आपने देखा कि अरोही क्रम यानी कि जो कम है पहले उसको लिखना है, यहां देखिए 700 कर दिया तो 700 नहीं लिखना है, काफी स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं। इससे 200 के बाद कौन सी संख्या आएगी 300, 300 के बाद 400, 400 के बाद 500, ये गलती आप एग्जाम में ना करना, 500 के बाद 600, 600 के बाद 700, 700 के बाद 800, 800 के बाद 900। मैंने क्या बताया कि जो है पद और मूल जो है दोनों की बारंबारता को व्यवस्थित करते हैं, ना कि एक की, दोनों को जो है व्यवस्थित करना है। सर्व के सीध में जो दो था, फिर चार था, इसके सामने 10 था, इसके सामने 15, फिर 8, इसके बाद 5 था, 5 के 700 के सामने 7 था, 800 के सामने 4 था, 900 के सामने 3 था, राइट, इतना सभी के सामने आया था। मीन मीडियन मोड में जैसा कि आप लोग जो है सीएफ निकालने के लिए पहली वाली संख्या को उतार लेते थे, फिर उसके बाद जो है ऐड करते चले जाते थे, 2 और 4 जोड़ेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, 6 और 10 जोड़ेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, 16 और 15 जोड़ेंगे तो आपका 31 आ जाएगा, 31 और 8 जोड़ेंगे तो आपका 39 आ जाएगा, 39 और 5 जोड़ेंगे तो आपका 44 आ जाएगा, 44 और 7 जोड़ेंगे तो आपका 51 आ जाएगा, 51 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपका 55 हो जाएगा, 55 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 58 हो जाएगा, राइट। इतना सभी के समझ में आया होगा, मैं बार बार कर रहा हूँ कि जो नए स्टूडेंट है हमारे प्लेलिस्ट से जरूर एग्जाम से पहले 10 दिन पहले तैयारी करके जाए, एग्जाम में 80+ मार्क्स पाए, जिससे एग्जाम में बहुत हैप्पी और आनंद फील करोगे, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी वक्त निकाल लो। मैंने बताया कि जो है जो व्यक्तिगत श्रेणी का सूत्र था वही इसमें भी फॉलो होगा, कि 1 = n+1/4, 1 × 1, इसी पे रखते हैं। नंबर आपके कितने थे, यहाँ देखिए इसको यहाँ पे n जो है फ्रीक्वेंसी को माना जाएगा, क्योंकि रूल होता है मेन मीडियम मोड में, मैंने बताया था जब कभी खंडित श्रेणी के साथ या सतत श्रेणी में फ्रीक्वेंसी को n माना जाता है, फ्रीक्वेंसी को n माना जाता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी का टोटल करने के बाद जो आपका आएगा वो n होगा, तो टोटल कर लेते हैं 2, 4, 6, यहाँ देखिए सीएम में टोटल 58 निकला है, वही आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल 58 आएगा, कि 1 = 58+1 आपके सूत्र में है, 4 कर देंगे, ब्रेकर बंद, 1 58 1 59 59 / 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 14.75, राइट, 75 आइटमों। देखिए 14 से बड़ी कौन सी संख्या सीएफ में दी गई है, 14 से बड़ी कौन सी सीएफ में संख्या है, 6 तो हो नहीं सकती, ये 16 है, तो यही 16 आपका जो है Q1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q1 यानी कि प्रथम चतुर्थ Q1 नंबर बराबर कितना है, यहाँ x की वैल्यू 300, यही 300 आपकी जो है Q1, आपका पद ही हमेशा जो है चतुर्थक का मान होता है, राइट फ्रेंड,
अब Q3 निकालते हैं, सेम आपका व्यक्तिगत श्रेणी वाला रूल फॉलो होगा, m प्लस 1 अपान 4 ब्रेकर बंद गुणे 3 कर दिया जाएगा। यही फर्क है 3 का, क्योंकि इसके साथ 3 का घात लगा, इसलिए इसको जो है बाद में 3 से गुणा किया जाता है। अगर चतुर्थक यानी कि चतुर्थ चतुर्थक पूछे तो 4 से गुणा हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थक पूछे तो यहीं पे 2 से गुणा हो जाएगा, बाकी सारा रूल यही फॉलो होगा। बट जो है एग्जाम में जो है प्रथम और तृतीय चतुर्थक ही पूछता है ज्यादातर एग्जाम में, अभी तक जो है द्वितीय या चतुर्थक जो है पूछा ही नहीं है। बट जो है काफी बार एग्जाम में प्रथम और तृतीय चतुर्थक बार बार एग्जाम में जो है पूछता है, इसलिए जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको एग्जाम में 10-20 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आसानी पूर्वक कर ले। चलिए हम सॉल्व करते हैं। आपका नंबर था 58 प्लस 1 अपान 4 रेकर 1 गुणे 3 59 भागे 4 गुणे 3 करके जो है इसको भाग कर दीजिए, आपका 177.4 से जो है इसको भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 44.25 थोड़ा आइटम। इसमें आइटम बोला जाता है, आइटम का मतलब होता है जो सीएफ में आपका आइटम दिया रहे 44 से बड़ा कम नहीं, 44 से बड़ा कौन सी संख्या इसमें है, 44.25 में है, तो इसमें जो है 44 है पॉइंट आगे जो है 25 प्लस में है, इसलिए 44 नहीं होगा आपका। यहाँ जो है 51 आपका जो है तृतीय चतुर्थक हो जाएगा। पद हमेशा जो है आपका चतुर्थक होता है, Q3 बराबर आपका 700 हो जाएगा, तृतीय चतुर्थक आपका 700 हो जाएगा। खंडित श्रेणी सेम व्यक्तिगत श्रेणी का रूल फॉलो की, बस इसमें एक ही चीज अंतर हुआ कि जो है सीएफ का जो है अलग से कॉलम बना बस। और जो है अगला सतत श्रेणी के बारे में देख लेते हैं जिसे कंटिन्यूअस सीरीज कहते हैं। तीसरा आपका सतत श्रेणी कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में पहला रूल में देखिए, सबसे पहले संचयी आवृत्ति तालिका तैयार करेंगे, फिर उसके बाद Q1 और Q3 का रूल फॉलो करेंगे। पहले जो है इसको जो है n अपान 4 गुणे 1 में रखेंगे प्रथम चतुर्थक के लिए, और तृतीय चतुर्थक के लिए Q3 नंबर बराबर n अपान 4 गुणे 3 पे रखेंगे। फिर उसके बाद एक रूल और फॉलो होगा, क्योंकि सतत श्रेणी में मीन मीडियन मोड में आपने देखा था n1 प्लस i अपान f, वहाँ m माइनस c होता था, यहाँ Q1 नंबर माइनस c हो जाएगा, Q3 की जगह Q3 हो जाएगा नंबर माइनस c। इसको हम एक क्वेश्चन जो है इस बेसिस के सतत श्रेणी का एक देते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको सीक्रेट टॉपर की बातें बताऊंगा, पहले जो है सतत श्रेणी का जो है एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, इसके बाद आपका सेंटेंस टेंडेंसी पार्टिटिशन जो है आपका जो है वैल्यू जो है चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद सतत श्रेणी के बाद इससे अलावा जो है और कोई मेथड आपके एग्जाम में जो है प्रथम चतुर्थक या तृतीय चतुर्थक में नहीं फॉलो होगा। ये आपका क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी से प्रथम एवं तृतीय चतुर्थक ज्ञात करो। ये आपकी सतत श्रेणी है, जब कभी क्वेश्चन में 0 और 10 मिड वैल्यू करके ऑप्शन दे तो आपकी सतत श्रेणी होगी, और या मिड वैल्यू लेस देन मोर देन बोले तो भी वो आपकी सतत श्रेणी होगी। और खंडित श्रेणी की पहचान होती है सीरियल क्रम हो और फ्रीक्वेंसी भी हो तो वो आपकी जो है खंडित श्रेणी होगी। अब व्यक्तिगत श्रेणी की पहचान होती है पद दी हो, बस पद हो या आकार हो तो आपकी व्यक्तिगत श्रेणी होती है, राइट। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है क्लास इंटरवल हमारा निकलेगा, पहला कलम आपका क्लास इंटरवल का हो जाएगा, दूसरा फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा, तीसरा सीएफ का आपका हो जाएगा। क्लास इंटरवल में आपका दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी आपकी है 44,
साठ, छत्तीस, चौवालीस, अठारह। आपका सीएम मैंने बताया था, सीएफ हमेशा जो है पहले वाले फ्रिक्वेंसी को उतार लिया जाता है, फिर उसके बाद ऐड करते चले जाना है। 44 प्लस 60 करेंगे तो 104 आ जाएगा, 104 प्लस 36 करेंगे तो आपका जो है 140 आ जाएगा, 140 प्लस 44 करेंगे तो 184 आ जाएगा, 184 प्लस 18 करेंगे तो आपका 202 आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आया होगा। अब फार्मूला मैंने क्या बताया था, पहले जो है पहला ए स्टेप जो है दोनों में फॉलो करना है, फिर इसके बाद ए वाला स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि सतत श्रेणी में मीन मीडियम मोड में जैसे वहां फॉलो होता था वैसे यहाँ भी फॉलो होगा। आगे जो है इसको सॉल्व करते हैं। Q1 नंबर बराबर n अपान 4 था, तो नंबर आपके फ्रीक्वेंसी के टोटल को माना जाता है। मैंने बताया था सतत एवं खंडित श्रेणी में जो है फ्रीक्वेंसी को n माना जाता है, फ्रीक्वेंसी का टोटल आपका 202 आया है, 202 भागे 4 करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 2 × 4 50 आइटम। आइटम का मतलब होता है सीएम में जो इससे बड़ी संख्या हो वही आपका जो है 50वां आइटम। जैसे इसमें बोल रहा है तो 50 जो है 44 तो हो नहीं सकता, 104 है 50 से बड़ा, तो आपका जो है ये जो हो जाएगा 50वां आइटम की जो है वैल्यू यानी कि Q1 का मान, राइट। अब आगे साल्व करते हैं। एक फार्मूला और था जो है आगे सतत श्रेणी में फॉलो होता है, Q1 बराबर L1 प्लस I अपान F ब्रेकेट में Q1 नंबर माइनस C। L1 आपका A माना जाएगा, L2 ए फ्रीक्वेंसी आपकी है, ये आपका C। C हमेशा वही माना जाता है जो आपका जो है मिड वैल्यू, जो आइटम से पीछे वाला जो आपका मिड वैल्यू हो उससे पहली वाली संख्या सीएफ की आपकी सी मानी जाती है। L1 आपका 10 है तो 10 प्लस आई मतलब होता है कि जो इन दोनों के जैसे 10 माइनस आप 20 करेंगे तो आपका 10 आएगा, यही 10 आपका जो है आई है, राइट। 10 फ्रीक्वेंसी आपकी 60 है, Q1 नंबर आपका 50.5 आया था, 50.5, C आपका जो है 44 है, इसको इससे घटा देंगे फिर उसके बाद गुणा कर देंगे इससे, Q1 होगा, सॉरी 10 प्लस 10 गुणे 50.5 में 44 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6.5। इसको गुणा करके 60 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.08, क्योंकि इसका गुणा करेंगे 10 × 60 5 को गुणा करेंगे 10 × 60 होता है, 5.8 आ जाएगा, इसलिए 0.8 हो गया। इसको गुणा करने के बाद जो है टोटल करने के बाद 60 से भाग करेंगे तो 1.08 आपका आएगा, फिर उसके बाद ये 10 प्लस 1.08 बराबर आपका हो जाएगा 11.08। यही आपका Q1 यानी की प्रथम चतुर्थक की वैल्यू आई सतत श्रेणी के लिए, प्रथम चतुर्थक, यही आपका आंसर है प्रथम चतुर्थक का। वही मीन मीडियन मोड वाला रूल फॉलो हो रहा है, जो लोग अभी मीन मीडियन मोड नहीं देखे हैं जाकर देख ले, क्योंकि जो है चतुर्थक में कोई अलग से मेथड नहीं लगाया गया है, बस वही यम की जगह क्यू रख दिया गया है बस। अब अगला जो है Q3 यानी कि तृतीय चतुर्थक का मान ज्ञात कर लेते हैं। Q3 बराबर आपका फार्मूला था n अपान 4 गुणे 3, ये नंबर आपके थे 202 भागे 4 गुणे 3, 202 को 3 से गुणा करेंगे फिर उसके बाद 4 से भाग कर देंगे, 2 × 3 = 6, 606 को 4 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 151.5 आइटम।
उसमें देखिए 151 से बड़ी कौन सी संख्या है, 151.5 से, ये आपकी ये वाली हो जाएगी, नीचे से दूसरी यानी कि 10 से 40 वाला, ये आपका Q3 का जो है इसी पे रखना है। ये आपकी L1 हो गई, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये आपकी C हो गई। अब इसी पे रखते हैं, आपका आगे फार्मूला होता है Q3 बराबर L1 प्लस I अपान F ब्रेकेट में Q3 नंबर माइनस C। L1 आपका 30 है, 30 प्लस I 10 का डिफरेंस है, 30 को 40 से घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 फ्रीक्वेंसी आपकी 44 है, आपका जो है Q3 इतना आया था 151.5, माइनस करेंगे C से जो 140 आपका आया था, तीस प्लस माइनस कर लीजिए 151.5 से 140 में घटाएंगे तो आपका 11.5 आ जाएगा, 10 गुणे 11.5 कर देंगे, भाग 44 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2.61। तो आपका Q3 यानी कि तृतीय चतुर्थक का मान बराबर 30, ये आपका लास्ट में जुड़ता है L1 का मान 30 प्लस 2.61 बराबर 32.61 आपका तृतीय चतुर्थक निकल आया। इसी टाइप से आपके जो है प्रथम चतुर्थक हो या खंडित श्रेणी हो या सतत श्रेणी हो, तीनों का अगर आता है तो आपको एग्जाम में आसानी से आप कर लेंगे। आज के बाद अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी, इसके बावजूद भी प्रॉब्लम बनती है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल के थ्रू जो लोग अभी नए स्टूडेंट हैं, उनको मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट को खास करके बिजनेस स्टैटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बेहिचक पूछिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए। आपको जो है ओनली 10 डे के अंदर 80 प्लस स्कोर करवाऊंगा, जिसकी पेड फीस मात्र ₹200 है। वैसे तो फिलहाल पूरी जो है बिजनेस स्टेटस की प्रॉइंट वीडियो कर दी गई है, जिसे स्पेशली क्लास लेना है मुझसे, जो है गाइडलाइन लेनी है तो ₹200 पेड करिए, जिसकी फीस मात्र ₹200 है। और जो है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वहां आपको मेल किया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में 80 प्लस से ऊपर जो है आप एवं जो है मार्क्स दिलाए जाएंगे। और जो नए स्टूडेंट है जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, वही जो है ऐसी जो है प्रॉब्लम जो है ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको यूट्यूब चैनल के थ्रू ऑलरेडी जो है ऐसे वीडियो प्रॉइड कर दिए गए हैं, जो कि एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। पर मैं बार बार बोल, आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी किसी भी कॉन्सेप्ट में। हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, ऑलरेडी वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको जो मिल जाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स ला सकते हो। और जो है जो न्यू स्टूडेंट है उनको जो है अलग से जो है स्टडी चाहिए है तो स्टडी गाइडलाइन दी जाएगी, जिसका शुल्क मात्र ₹200 है। वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, खास करके बीच स्टूडेंट के लिए है। बाकी जो है हमारे प्ले लिस्ट पे जो लोग हमारे जो है बिजनेस स्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट्स ऑल इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो है पढ़ के जाएंगे, वो आपके आने वाले एग्जाम में नजर आएंगे और एग्जाम में बहुत हेल्प फील करेंगे। और जो लोग नहीं देखना अभी मिस कर रहे हैं वो चीज, वो बाद में जरूर पछताएंगे, उससे पहले कि आप जो है देख लें, ताकि एग्जाम में आपको जो है 80 प्लस मार्क्स मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मैं अपनी नई धन्यवाद, आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाओगे अगर हमारे चैनल के थ्रू पढ़ के जाते हो तो।